अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। टुडे आई वांट टू टेल यू सम बेसिक सेंटेंसेस व्हिच आर यूज्ड इन अ क्लासरूम। सो लेट्स बिगिन। सुबह बखैर मैम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? गुड मॉर्निंग मैम, मे आई कम इन? मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं आज देर से आई हूँ। I am sorry, I am late today। वो आज गैर हाजिर है, she is absent today। और he is absent today। मैं कल गैर हाजिर थी, I was absent yesterday। मैंने अपनी किताब निकाल ली है, I have take out my book। मैं अपनी अंग्रेज़ी की किताब लाना भूल गई हूँ, आई forgot टू ब्रिंग माई इंग्लिश बुक। और यू कैन से दैट आई forgot टू ब्रिंग माई डायरी, आई forgot टू ब्रिंग माई पेन। मैंने अपना घर का काम कर लिया है या मैं अपना काम कर चुकी हूँ, आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क और आई हैव डन माई वर्क। मैं घर का काम नहीं कर सकी क्योंकि मुझे कल बुखार था, I could not complete my homework because I had fever yesterday। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं, I could not complete my homework because I was ill yesterday। क्या मैं बाथरूम जा सकती हूँ? May I go to the bathroom। क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? May I read this। क्या मैं इसे कूड़ेदान में फेंक सकती हूँ? May I throw it in the dustbin। क्या मैं राहिला के साथ बैठ सकती हूँ? May I sit with राहिला। इफ़ यू वॉन्ट टू सिट विद योर फ्रेंड दैट टाइम यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस। मैम आज आप किस मौजू पर पढ़ाएंगी? या मैम आज आप कौन सा सबक पढ़ाएंगी? मैम विच टॉपिक विल यू टीच टुडे? और मैम विच चैप्टर विल यू टीच टुडे? मैंने इन लफ्ज़ों पर निशान लगाया है या मैंने इस लाइन पर निशान लगाया है? आई हैव अंडरलाइन दीज वर्ड्स और आई हैव अंडरलाइन दिस लाइन। सना बार बार मुझे परेशान कर रही है, सना इज डिस्टर्बिंग मी अगेन एंड अगेन। तुम मुझे बार बार क्यों परेशान कर रही हो? वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी? मुझे परेशान करना बंद करो, स्टॉप इरीटेटिंग मी। क्या मैं अपनी सीट तब्दील कर सकती हूँ? May I चेंज माई सीट? या क्या मैं अपनी सीट तब्दील कर सकता हूँ? दोनों के लिए यही सेंटेंस इस्तेमाल होगा। मेरी पेंसिल कुंद है, इसका मतलब ये है कि आपकी पेंसिल शार्प नहीं है। सो यू कैन से माई पेंसिल इज ब्लंट। क्या मैं अपनी पेंसिल शार्प कर सकती हूँ? May I शार्पन माई पेंसिल? किसी ने मेरी पेंसिल ले ली है, Somebody has taken my pencil। किसी ने मेरा नया इरेजर चुरा लिया है, Somebody has stolen my new eraser। वो अभी भी लिख रही है, She is still writing। इसने अपना काम पूरा नहीं किया, She has not completed her work। Thank you so much for watching this video। I'm sure you will use these sentences whenever you will go to school। Take care, see you in the next video। Allah Hafiz। Don't forget to like, subscribe and share with your friends। Bye।